अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेनू तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसका नाम है ऊंची उड़ान, और आज हम ऊंची उड़ान में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने 12वीं पास कर ली है और एक अच्छा विषय में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने कोर्स का चुनाव कैसे करें। एक वक्त था जब 12वीं करने के बाद छात्रों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते थे और वह यह सोचकर टेंशन में रहते थे कि आखिर वह ऐसा क्या विषय और कोर्स चुने जो उनके भविष्य को संवारने में मदद कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 12वीं के बाद विभिन्न कोर्सों और विकल्पों की असीम लाइनें खुली हैं जिनमें छात्र अपनी पसंद और स्कोप के हिसाब से अपना करियर चुन सकते हैं। लेकिन चुनाव करते वक्त छात्रों को यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो कोर्स या फिर लाइन वे चुन रहे हैं उसमें कितनी संभावनाएं हैं। हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसका ध्यान आपको कोर्स का चयन करते वक्त जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले आप यह देखें कि कोर्स जो चुना जा रहा है उसका क्या नफ़ा और नुकसान है, यानी कि उसमें क्या फ़ायदा होगा, यानी भविष्य के लिहाज से ये कोर्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी बात, 12वीं के बाद कोर्स को लेकर तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि छात्रों को लुभाया जा सके, लेकिन छात्र उनके झांसे में ना आए और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही अपने कोर्स को चुनें। तीसरी बड़ी बात, कोर्स का चयन करते वक्त छात्र अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। इंजीनियरिंग और आईटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आप इसमें करियर बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो छात्रों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस विषय में रुचि होनी चाहिए। अगर उनकी रुचि नहीं है तो बिल्कुल आप ऐसी गलती ना करें ऐसे टेक्निकल कोर्स को करने की। इसके अलावा अपने दोस्तों या फिर अन्य छात्रों की देखी रेखी आप किसी भी कोर्स को ना चुनें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वह कोर्स जो आपके दोस्त या आपके किसी भी रिश्तेदार ने चुना होता है उसमें उसकी रुचि होती है और उसमें उसकी मेहनत भी होती है, उसी को देखा देखी आप भी ऐसा कोर्स ना चुनें जिसमें आपकी रुचि ना हो और आप पहले से ही अपने कोर्स की अच्छी फैकल्टी प्लेसमेंट परफॉर्मेंस की जानकारी ले लें जो भी आप कोर्स चुनने जा रहे हैं। इससे आप ठगी का शिकार होने से भी बच जाएंगे। अगर आपने 12वीं पास की है तो हम आपको कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में सुझाव देते हैं ताकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है वह आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। सबसे पहले, अगर 12वीं पास कर ली है, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े कई कोर्स को कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बीबीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि BIT, प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी आजकल के जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं और इसमें आप एक अच्छी सैलरी के साथ अपना भविष्य संवार सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स के अलावा आप डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न कोर्सेज हैं जैसे कि नेशनल डिफेंस सर्विसेज। कई स्कूल NDA की परीक्षा की तैयारी 11वीं कक्षा से ही कराने लग जाते हैं। छात्र 12वीं की कक्षा में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर होने पर अपनी NDA में सीधे ट्रेनिंग से आगे की पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं और डिफेंस फील्ड में अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं।
इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर छात्र मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो वे 12वीं के बाद किसी प्रतिष्ठित संस्थान में BSc यानी कि पास करने के बाद या BSc ऑनर्स पास करने के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिक्स जैसे विषय बहुत ज्यादा हैं। आप वहाँ पर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है, जिसकी तैयारी आपको जब भी आप 12वीं पास कर रहे हैं उसी दौरान करनी शुरू करनी होगी। इसके अलावा कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की बढ़ती बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। कॉमर्स के फील्ड में भी आपके पास काफ़ी विकल्प हैं जिन्हें आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। इस स्ट्रीम के छात्र भविष्य में MBA, CS, CA, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे कई क्षेत्रों में अपना सुनहरा करियर बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस कोर्स की डिमांड्स काफ़ी बढ़ गई है। कई कॉलेज में BSc ऑनर्स यानी कि कंप्यूटर साइंस कोर्स करवाए जाते हैं। यह कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं होती है। आर्ट में भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट से पढ़ाई की है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपके पास असीम संभावनाएं हैं। आर्ट स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। पहले लोग मानते थे कि आर्ट्स के क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएँ नहीं होती हैं, लेकिन आज इसमें करियर के ढेरों ऑप्शन उपलब्ध हैं। आर्ट में ऐसे कई विषय हैं जिनकी पढ़ाई करके आप सरकारी और निजी क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी आदि ग्रेजुएशन करने के बाद इन क्षेत्रों में जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। आर्ट से ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा MBA, जर्नलिज्म, मार्केट, टीचिंग, एंट्रप्रेन्योर, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। तो आज हमने आपको शॉर्ट में बताया है कि अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आपको अगर कोई कोर्स चुनना है तो आपको किन बातों का ध्यान ही रखना चाहिए। साथ ही अगर आप साइंस या आर्ट या फिर कॉमर्स साइड से हैं तो किन क्षेत्रों में आप अपना जाके भविष्य बना सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।